जैसे कि एक एक न्यूज में देख रहा हूँ चल रही है, मरीज रात से तड़फ रहा है, रात भर इसको इलाज नहीं मिला, महिला चिकित्सक नहीं थी, ये कहना बिल्कुल गलत है। ये मरीज आया ही सुबह 7:57 पे है, एबोर्शन कराया तो उसकी वजह से इसको बुखार आ रहा होगा, तो बुखार की दृष्टि से इसने कहा कि मुझे बुखार आ रहा है दिखाना है कि हम बीमारी के कारण अस्पताल में दाखिल हुए और बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई है और हम पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते, ये उसके हस्बैंड ने लिख के दिया है। बागपत जिला अस्पताल में एक महिला की मौत पर हंगामा हो गया। महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जिसके बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल मृतका संजीदा कायमपुर गांव की रहने वाली थी और जिसे रात में परिजन अस्पताल लेकर पहुंच रहे थे। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं थे और समय पर उपचार नहीं दिया गया। महिला के पति ने कहा डॉक्टर इधर उधर भटकाते रहे और मरीज तड़पता रहा, जिसके बाद सुबह उसकी मौत हो गई। उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं सीएमएस के मुताबिक संजीदा सुबह 7 एडमिट हुई थी, जिसे बुखार की शिकायत थी। फिलहाल परिजनों के आरोप के अनुसार जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच के बाद एक्शन होगा। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? कानपुर से। आज महिला अस्पताल आए हैं, क्या हुआ है आज? महिला अस्पताल कल रात से पड़े हैं यहाँ पे, उन्होंने अंतर आने नहीं दिया, वो कल सुबह डॉक्टर आएगा। सुबह 7 उन्होंने पर्चा बनाया, 7 इमरजेंसी पर्चा बन गया, कह रहे कि 8 ओपीडी में यहाँ डॉक्टर बैठेगा। हमने बोला कि मैं नहीं, ज़्यादा पेशेंट हमारा सीरियस है, हमें डॉक्टर से मिलवाओ। 8:30 तक कोई डॉक्टर नहीं आया, 8:30 मेरी वाइफ ने दम तोड़ दिया। और फिर सारे इकट्ठे हो गए डॉक्टर, कह रहे तुम वहाँ लेकर आते। अरे भाई हमें जहाँ तुम्हारे स्टाफ भेजेगा, जहाँ पर्ची बनाने वाला भेजेगा, वहीं तो जाएंगे हम लेकर अपने पेशेंट। आपके पेशेंट को क्या हुआ था? पेशेंट कमजोरी हो रही थी, 2 पहले प्रेगनेंसी खराब हो गई थी, बच्चा वो हो गया था। ओके। तो बहुत ज़्यादा लाभ कमजोरी हो रही थी, चक्कर आ रहे थे, प्लेट वलेट गिरी हुई थी इसकी। कोई अब चिकित्सक लोग वगैरह कोई आए अभी? है जी? कोई डॉक्टर वगैरह आए? देखो सारे डॉक्टर इकट्ठे हो गए आगे। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? सारे डॉक्टर कोई ये बोल रहे हैं कि इनको तुम्हें वहाँ लेके आना था, यहाँ लेके आना था। अरे जहाँ तुम कहोगे, जहाँ पर्ची वाला भेजेगा वहीं तो जाएंगे, हमें कौन सा बोला कहाँ कौन सा डॉक्टर बैठा है, इमरजेंसी बता के इमरजेंसी है, हमने बोला इमरजेंसी में जाना है हमें, इमरजेंसी बोला कि यहाँ बैठो आप 8 डॉक्टर आओगे। 8:30 तक का कोई डॉक्टर नहीं आया यहाँ पे, 8:30 तो हम तोड़ा, फिर 8:30 तो हम तोड़ते सारे इकट्ठे हो गए। क्या नाम है आपकी पत्नी का? मेरे पत्नी का नाम संजीवा है। देंगे सुबह वो होगा, सुबह पर्ची बने तो सुबह यो काम करा दिया इन्होंने जी। आप लोग रात ही आ गए थे यहाँ पे? हाँ, अभी मेरे माँ सारे रात के आए पड़े जी यहाँ पे। तो अंदर भर्ती नहीं किया था इन्होंने? भर्ती नहीं किया इन्होंने। डॉक्टर साहब, महिला अस्पताल में एक महिला मरीज की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए ऐसा है, पहले ये मरीज जो है सुबह 7:57 पे संजीदा नाम की एक पेशेंट, वाइफ ऑफ अली मोहम्मद और कयामपुर, 36 वर्ष इसकी एज थी। ये मरीज प्रातः 7:57 पे इसका पर्चा बना है ओपीडी में, जिसमें इसने बताया कि ये अपनी वाइफ को दिखाना चाहता है, उसको बुखार आ रहा है। तो ये ओपीडी के सामने, जिसमें चिकित्सक हमारी बैठती है, महिला चिकित्सक, वहाँ बैठ गए। जैसे ही वहाँ ये बैठ गई थी, वहाँ पर हमारी फार्मेसिस्ट भी मौजूद थी, अचानक ये लेडी कोलैप्स कर गई, गिर गई, मतलब बैठे बैठे बेहोश हो गई। तो तत्काल मेरा जो पूरा स्टाफ था वहाँ पर, जिसमें स्टाफ नर्स मेघा, रूबी, डॉक्टर शिल्पा, एनेस्थेटिस्ट और नेहा, इन सब ने तत्काल जैसे ही कोलैप्स करी तो इसको तत्काल ट्रीटमेंट वहाँ पर दिया गया। इसको इसकी CPR किया गया, कार्डियो पल्मोनरी रेसुसिटेशन किया गया और इसको ऑक्सीजन वगैरह वहीं पर OPD के सामने दे दी गई। परंतु प्रयास के बावजूद इसको हम बचा नहीं पाए और करीब 8:15 पे इसकी डेथ डिक्लेयर करी है एनेस्थेटिस्ट ने।
डॉक्टर साहब, जिस तरह से बताया जा रहा है कि अस्पताल में हंगामा भी हुआ है, परिजनों ने आरोप लगाया डॉक्टर ने, जैसे कि एक न्यूज़ में देख रहा हूँ चल रही है, ये मरीज रात से तड़फ रहा है, रात भर इसको इलाज नहीं मिला, महिला चिकित्सक नहीं थी, ये कहना बिल्कुल गलत है। ये मरीज आया ही सुबह 7:57 पे है, और दूसरा डॉक्टर गीतांजलि यहाँ कल मौजूद थी, डिलीवरी भी हुई है, यहाँ पर ऑपरेशन भी होते हैं, और डॉक्टर शिल्पा स्वयं 8 बजे आ गई हैं, ड्यूटी चेंज होते ही सारा स्टाफ चेंज हो गया है। 7:57 पर्चा बना है। पहली बात तो ये मरीज रात में नहीं आई है, और मरीज अगर, और जैसा कि मरीज ने बताया कि ये 5वां ग्रेविडा है, 5 बच्चे इसके हैं, और कहीं पर इसने जो है अपना एबॉर्शन कराया है कुछ दिन पहले, और उसने ये भी बताया कि इसको ब्लीडिंग हो रही थी और कई बार चक्कर भी आ रहे थे, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि अगर इसने एबॉर्शन कराया है तो उसकी वजह से इसको बुखार आ रहा होगा, तो बुखार की दृष्टि से इसने कहा कि मुझे बुखार आ रहा है दिखाना है। डॉक्टर साहब, जैसे एबॉर्शन की बात है, आपका विभाग कहाँ है, एबॉर्शन कैसे हो गया? एबॉर्शन हमारा विभाग थोड़ी ना करता है, इसकी जांच होगी। ये CMO साहब के स्तर का है, कहाँ कराया, उसने कैसे कराया, फिर हमने देखी उसको, अटेंडेंट थोड़े से नाराज थे कि इलाज नहीं मिला, ऐसा कहना गलत है। CPR वहीं पर दिया गया, ऑक्सीजन वहीं पर दी गई, और सारा स्टाफ मेरा जितना नर्सिंग स्टाफ है वहाँ पर मौजूद था, और हमने उनके अटेंडेंट से कहा ठीक है अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमको लिख के दे दीजिए कि हम मैंने कहा मैं कार्रवाई कराऊंगा, पूरी इंक्वायरी कराऊंगा, लिख के उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद हमने कहा ठीक है अगर आपको कोई अगर ऑब्जेक्शन है तो हम इसका पोस्टमार्टम भी करा लेते हैं, भाई एक विकल्प बचता है मेरे पास, अगर आपको लगता है कि नेग्लिजेंस हुई पोस्टमार्टम करा लीजिए। तो मेरे हाथ में ये पर्चा है जिसमें उन्होंने खुद लिखा है कि हम बीमारी के कारण अस्पताल में दाखिल हुए और बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई है, और हम पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते, ये उसके हस्बैंड ने लिख के दिया है। नहीं डॉक्टर साहब, जैसे परिजनों ने आरोप लगाया, हमसे भी बात की, अभी जो है मरीज को जो है बेड तक नहीं दिया गया, बेड नहीं दिया जाएगा, वो जब बुखार के लिए दिखाने आई है, उसने कहा हमें बुखार आ रहा है बुखार के लिए, अगर वो सीरियस होती तो उसको लेबर रूम में चले जाना था, लेबर रूम बगल में ही है, बिल्कुल लगा हुआ है, सटा हुआ है, उसने कहा बुखार का मरीज है, ठीक है अगर इसके बाद भी अगर किसी भी स्तर पे कोई लापरवाही हुई है तो मैंने तत्काल बोर्ड गठित कर दिया है जिसमें एक वरिष्ठ चिकित्सक महेंद्र मलिक, वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर शर्वन और मंजू रानी अग्रवाल, मैंने एक बोर्ड गठित कर दिया है, मैं इसकी जाँच करा रहा हूँ, अगर किसी भी स्तर पर कोई मतलब नेग्लिजेंस मिलती है तो उसको कार्रवाई भी तुरंत की जाएगी। जैसे अचानक बोर्ड मिल गया बुखार की, इससे क्या निपटने का क्या तरीका? नहीं ऐसा कुछ नहीं, देखिए आजकल का जो परिवेश में क्या है कि कोई भी आदमी कभी भी कोलैप्स कर जा रहा है, कोई ऐसा हाँ अगर आपको कारण जानना है तो पोस्टमार्टम करा लीजिए, आप पोस्टमार्टम हो जाएगा उससे कारण पता लगेगा उसमें उस लेडी में क्या था कि आखिर खून की कमी थी या और कोई कारण हो सकता है कि बुखार उसको क्यों आ रहा था, है ना। हमारे जिला अस्पताल के स्तर पर अगर उसको लगता है तो हमने उनसे कहा भी हमको आप लिख के दे दीजिए, तो लिख के उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, बोले नहीं सर हमारे मरीज बीमारी से ही मरा है, और हमने कहा पोस्टमार्टम के लिए भी वो लोग तैयार नहीं हुए, और फिर भी मैंने एक बोर्ड गठित कर दिया है मैंने, उसकी मैं इंक्वायरी करा लूँगा, और उसमें जैसी भी अगर किसी की लापरवाही सामने आती तो उसका उसको दंड अवश्य दिया जाएगा।